गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। गर्भावस्था जो पेट में पल रहे बच्चे को गर्भावस्था कहा जाता है। जय हिंद। आज के वीडियो में जानेंगे स्टेज ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जो मनुष्य की अवस्थाएं होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि मनुष्य की कितने अवस्थाएं होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशुअवस्था, लेकिन जो मनुष्य की और जो अवस्था है उनके बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसे अच्छे से समझेंगे और मनुष्य की कुल कितने जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने अवस्थाएं होती है इसके बारे में समझेंगे और मनुष्य की कितने अवस्थाएं है होती है ये भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टेज ऑफ ह्यूमन, मतलब यही कहने का मतलब है मनुष्य की अवस्थाएं या मनुष्य की चरण। देखिए कोई भी पूछे कि मनुष्य की कितने अवस्थाएं होती है तो कहिएगा 7, ठीक है, मनुष्य की कितने अवस्थाएं होती है 7 कहेंगे, मनुष्य की कितने अवस्थाएं होती है 7, ठीक है। कौन कौन हम पहले से लिख दिए हैं ताकि आप लोगों का समय बर्बाद न हो। तो देखिए पहला हो गया गर्भावस्था, ठीक है, जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है और उसके पेट में जो बच्चा रहता है उसी को गर्भावस्था कहा जाता है। चलिए इसको हम विस्तार से आगे जानेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम इसके जो प्रकार है, कितने प्रकार है ये सब जान लेते हैं। पहला हो गया गर्भावस्था, हम बताया है कि मनुष्य की कुल अवस्थाएं 7 होती है। कौन कौन? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था किससे कहते हैं ये भी जानेंगे, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, उसके बाद हो गया किशोरावस्था, युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था क्या है ये भी जानेंगे, ठीक है, वृद्धावस्था, ठीक है, एक नंबर गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये तो जान गए कि मनुष्य की कुल 7 अवस्थाएं होती है, ठीक है, कौन कौन ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि गर्भावस्था किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा यही दीजिएगा, आप लोगों को सिंपल भाषा में हम यही समझाने की कोशिश करेंगे, जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, ठीक है, और उसके पेट में, ठीक है, उसके पेट में जो बच्चे रहते हैं उसी को गर्भावस्था कहा जाता है, ठीक है, गर्भावस्था किसे कहते हैं, पेट में पल रहे बच्चे को ही गर्भावस्था कहा जाता है, ठीक है, ये तो समझ गए, गर्भावस्था किसे कहते हैं, पेट में पल रहे बच्चे को जब माँ की कोख में रहती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, गर्भावस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, देखिए सिंपल तरीका से हम बताते हैं, देखिए बाल्यावस्था देखिए इसका आंसर यही है, जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर लिख देते हैं यहाँ पे लेकर 5 वर्ष, जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु या उम्र ही क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है, या ऐसे भी कह सकते हैं जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है, समझ गए। चलिए ये तो समझ गए कि बाल्यावस्था किससे कहते हैं, किसे कहते हैं, जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु की, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था ही क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है और 5 वर्ष के अंदर जो रहता है ना उसे हम क्या, कौन सी अवस्था कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं शिशुअवस्था किससे कहते हैं, देखिए जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, बाल्यावस्था कहलाती है, और शिशुअवस्था किससे कहते रहते हैं, ठीक है, देखिए 5 वर्ष से, ठीक है, 5 वर्ष से यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु, ठीक है, 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु, आयु का अर्थ है ये उम्र, ठीक है, 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु शिशुअवस्था कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है, शिशुअवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था तो जान गए जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, और शिशुअवस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है, शिशुअवस्था कहलाती है। अगर कोई भी बच्चा अगर 5 से 12 के बीच में रहे, अगर उनका उम्र 5 से 12 के बीच में रहे, अगर पता लगाना हो कि यह कौन से अवस्था में चल रहा है, कौन से अवस्था में है, तो कहेगा शिशुअवस्था में, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं किशोरावस्था किससे कहते हैं, ठीक है, देखिए किशोरावस्था में 12 से गिन लीजिए, ठीक है, 12 वर्ष से लेकर, ठीक है, 12 वर्ष से लेकर वर्ष से 18 वर्ष, 18 वर्ष, देखिए 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है, जिस बच्चे का उम्र 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में रहता है वह कौन से अवस्था में रहते हैं, तो कहेंगे किशोरावस्था की, किशोरावस्था में रहते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में जी रहे बच्चे को कौन से अवस्था में कहेंगे, किशोरावस्था में, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि युवा अवस्था किसे कहते हैं, युवा अवस्था, ठीक है, तो देखिए 18 वर्ष से लेकर, ठीक है, 18 वर्ष से लेकर
यहाँ सिर्फ उम्र से याद कर लेना है कि यह कौन से अवस्था चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उम्र देख लेना है, खुद पे खुद पता चल जाएगा कि यह कौन से अवस्था चल रही है, ठीक है। तो देखिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु, ठीक है, 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु को हम युवा अवस्था कहते हैं, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? युवा अवस्था कहलाती है, ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं 6 नंबर 6 नंबर जो स्टेज ऑफ ह्यूमन का प्रकार है, 6 नंबर है। यहाँ पे 6 नंबर में है प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है। तो प्रौढ़ा अवस्था किससे कहते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए प्रौढ़ा अवस्था में यही हो गया, 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? प्रौढ़ा अवस्था कहलाती है, ठीक है। इसी में जवानी वानी सब बीत जाता है। प्रौढ़ा अवस्था किसे कहते हैं? 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की आयु प्रौढ़ा अवस्था कहलाती है, ठीक है। देखिए जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था, जो माँ के गर्भ में रहते हैं बच्चे, उस अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। उसके बाद 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की बीच की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। और 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था युवा अवस्था कहलाती है। और 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि वृद्धावस्था, अर्थात कहने का मतलब है बुढ़ापा, ठीक है। वृद्धावस्था की अर्थ है बुढ़ापा, ठीक है। कोई पूछे वृद्धावस्था किसे कहते हैं, तो देखिए 55 वर्ष से लेकर लिख देते हैं यहाँ पे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक मानिए, ठीक है, मृत्यु तक, ठीक है। 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की अवस्था, ठीक है, क्या कहलाती है? वृद्धावस्था कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से रहा, जितने भी हम बताया कि ह्यूमन के जितने भी चरण अवस्था होते हैं, मानव के जितने भी अवस्था होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। गर्भावस्था जो पेट में पल रहे बच्चे को गर्भावस्था कहा जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। शैशवावस्था 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु शैशवावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है। और 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु को हम युवावस्था कहते हैं। 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की आयु को प्रौढ़ावस्था। और 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की आयु क्या कहलाती है? वृद्धावस्था कहलाती है, ठीक है। तो आज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। जाने से पहले एक आप लोगों के लिए सवाल है कि यहाँ पे जितने भी अवस्था पढ़े हैं इनमें से सबसे अधिक दिनों तक चलने वाली अवस्था कौन है? तो आप लोग जानते हैं और समझ गए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।